गांधी का बड़ा दांव, प्रियंका गांधी को बनाया कांग्रेस महासचिव, पूर्वांचल का दिया प्रभार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा अब आधिकारिक तौर पर राजनीति में आ गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका फरवरी के पहले सप्ताह में अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगी। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए, जिसे अब पूरा किया गया है। प्रियंका गांधी इससे पहले भी रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करती रही हैं। गौरतलब है कि 2019 का लोकसभा चुनाव काफ़ी निर्णायक होने वाला है। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका काफ़ी अहम है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ आने से समीकरण पूरा बदल गया था। दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं किया था, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि अभी लोग कांग्रेस पार्टी को हल्के में ले रहे हैं। लेकिन 2019 का चुनाव पूरी दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और सभी को सरप्राइज भी करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी के कांग्रेस में आने पर वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रियंका के पार्टी में आने का असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भले ही प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद की यूपी से छुट्टी, इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। एक तरफ प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी दिया गया है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे गुलाम नबी आज़ाद को अब हरियाणा का प्रभार सौंपा गया है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।